हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइक्रोबियल फैट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लैक ओपेरॉन के बारे में। लैक ओपेरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के अकॉर्डिंग। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैक ओपेरॉन को लैक्टोज ओपेरॉन भी कहते हैं। लैक ओपेरॉन ये जो ज़रूरी प्रोसेस है, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये लैक ओपेरॉन हेल्प करता है मेटाबोलिज्म ऑफ लैक्टोज इन ई कोलाई। सो लैक ओपेरॉन जो है वो जैकोब एंड मोनार्ड ने दिया था इन 1957-59 में, एंड दिस डिस्कवरी ने नोबेल प्राइज जीता था 1961 में। नेचुरल जीन होते हैं लैक जेड जीन, लैक वाई जीन एंड लैक ए जीन। लैक्टोज को प्रोडक्शन के लिए लैक ओपेरॉन का यूज करते हैं, लेकिन लैक ओपेरॉन ऐसे ही इकोलाई में एक्टिव नहीं होता है। जब भी इन्वायरमेंट में ग्लूकोज की क्वांटिटी कम हो जाती है तभी लैक्टोज ओपेरॉन जो है एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज इन्वायरमेंट में कम रहा तो लैक्टोज ओपेरॉन एक्टिव हो जाता है। हम सबको पता है कि लैक्टोज जो है वो डाइसेकराइड है, वो दो शुगर से बनता है, एक ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए ग्लूकोज को एज अ फूड लैक्टोज ओपेरॉन में 4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। वो है स्ट्रक्चरल जीन, रिप्रेसर जीन, प्रोमोटर जीन एंड ऑपरेटर जीन। स्ट्रक्चर ऑफ द लैक ओपेरॉन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पी मीन्स प्रमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन, आई मीन्स इनकोड फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन्स, पी मीन्स प्रमोटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, लैक जेड लैक वाई एंड लैक ए विच इज अ स्ट्रक्चरल जीन। लैक जेड जो इनकोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई इनकोड करता है परमेज एंड लैक ए इनकोड करता है ट्रांसएसिटेज। तो लैक जेड इनकोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइड और लैक जेड रिस्पॉन्सिबल होता है द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक वाई की बात करें अगर, तो लैक वाई क्या करता है, जो इन्वायरमेंट के बाहर ई कोलाई के बाहर जो लैक्टोज प्रेजेंट है उसे अंदर आने में लैक वाइज जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करें तो इसका जो रोल है अभी तक के पता नहीं चला है, लेकिन वो इनकोड करता है ट्रांस एसिटेज। रेगुलेशन की बात करें तो लैक ओपेरॉन में 2 टाइप्स के रेगुलेशन होते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन भी 2 कंडीशन होती है, लैक्टोज अगर अब्सेंट रहा, लैक्टोज प्रेजेंट रहा। पॉजिटिव में सेम कंडीशन होते हैं, लैक्टोज प्रेजेंट एंड लैक्टोज अब्सेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव कंट्रोल ऑफ द लैक ओपेरॉन। सो लैक ओपेरॉन में 2 कंडीशन होती है, लैक्टोज अब्सेंट एंड लैक्टोज प्रेजेंट। सो देखिए, जब भी लैक्टोज इन्वायरमेंट में अब्सेंट रहा तब क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट पे ऊपर बाइंड होने के लिए आ जाता है, लेकिन वो बाइंड नहीं हो सकता क्योंकि जो लैक आ है वो कंटेन करता है रिप्रेसर। वो जो रिप्रेसर है वो जाके बाइंड हो जाता है ऑपरेटर साइट पे। इसके वजह से ये ऑपरेटर साइट और ये रिप्रेसर साइट ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाती है, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पे बाइंड नहीं हो सकता। अगर ये प्रमोटर साइट पे बाइंड ही नहीं होगा तो स्ट्रक्चर जीन अपना वर्क देगा क्या, नहीं। सो स्ट्रक्चर जीन एंजाइम बनाएगा क्या, सो नहीं। तो लैक ओपेरॉन इसलिए बोलते हैं कि लैक्टोज अगर अब्सेंट रहा इन्वायरमेंट में तो लैक्टोज ओपेरॉन हो क्या हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाती है। अगर उसके अगले दूसरे साइड में देखें, अगर लैक्टोज प्रेजेंट रहा इन्वायरमेंट में तभी ही लैक ओपेरॉन जो क्या हो जाती है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, स्विच ऑन हो जाती है। सो देखिए क्या होता है इसमें, जब भी आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट के ऊपर बाइंड होने के लिए आता है, सो जो लैक आई कंटेन करता है रिप्रेसर जब भी ऑपरेटर पे बाइंड होने के लिए जाएगा तभी ई कोलाई में इंड्यूसर प्रेजेंट रहेगा। जब भी लैक आर ऑपरेटर पे बाइंड होने के लिए जाएगा तभी इंड्यूसर जो है जो रिप्रेसर पे बाइंड हो जाएगा और यह एक अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। इसलिए आरएनए पॉलीमरेज आएगा प्रमोटर पे बाइंड हो जाएगा और स्ट्रक्चर जीन अपना वर्क करेंगे। स्ट्रक्चर जीन क्या करेंगे, एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए से प्रोटीन एंजाइम्स बनाएंगे। सो इंड्यूसर के एग्जाम पर देखें तो इंड्यूसर ई कोलाई में जैसे कि लैक्टोज, एलोलैक्टोज, आईपीटीजी, ओएनटीजी
एक्सेट्रा प्रेजेंट रहते हैं। सो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड रेगुलेशन विच इज अ पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ द लैकोपेरॉल। इन लैकोपेरॉल दे हैव टू कंडीशन, लैक्टोज प्रेजेंट और एंड लैक्टोज अब्सेंट। सो लेट्स स्टार्ट द लैक्टोज प्रेजेंट। जब भी इन्वायरमेंट पे लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तभी लैकोपेरॉन प्रोसेस चालू रहेंगी क्या? नहीं। सो CAP आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, CAP मीन्स कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। अगर लैक्टोज इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ही नहीं रहेगा सो AC विच इज एडेनिल साइकिल का ब्रेकडाउन होंगे क्या ATP में? नहीं, ATP में ब्रेकडाउन ही नहीं होगा। तो वो क्या फॉर्म करेंगे? CMP? नहीं, CMP फॉर्म नहीं करेंगे। CMP कैप साइट को एक्टिवेट करेंगे क्या? नहीं। RNA पॉलीमरेज कैप साइट पर बाइंड होगा क्या? नहीं। इसलिए ये प्रोसेस क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। अगर उसके दूसरे साइड में देखें, जब भी इन्वायरमेंटल लैक्टोज अब्सेंट रहे हम तभी क्या हो जाती है? AC विच इज एडेनिल साइकिल एक्टिव हो जाता है। एडेनिल साइकिल का ब्रेकडाउन होते ATP बनाता है। ATP क्या फॉर्म करता है? CMP एक्टिव करता है कैप्साइट को। और ये कैप्साइट कहाँ पे जाके बाइंड हो जाती है? ये यहाँ पे बाइंड हो जाती है। जब भी RNA पॉलीमरेज कैप्साइट पे बाइंड होगा तभी क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल जीन एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद mRNA बनाएंगे, mRNA के बनने के बाद एंजाइम बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो को जरा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो जरा सी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। है, मिलते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।